हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के कालेपन को दूर कर सकते हैं, साथ ही आपके चेहरे के काले दाग धब्बे, काले निशान हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आपका चेहरा पहले की तरह साफ सुथरा और गोरा चमकदार बनेगा। तो जानने के लिए दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इस नुस्खे में हमने जो भी चीजें ली हैं, सारी की सारी चीजें घरेलू चीजें हैं, ये आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी। साथ ही इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये एकदम देसी नुस्खे हैं। इनके इस्तेमाल से आपको फायदा काफी जल्दी होगा और साथ ही साथ काफी दिनों तक इसका असर बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। दोस्तों, मैंने लिया यहाँ पर सबसे पहले एक खाली बाउल। इस खाली बाउल में हम सबसे पहले जो चीज लेंगे वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर दोस्तों हमारे चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होता है, इसके एक नहीं ढेरों फायदे होते हैं। हल्दी हमारे चेहरे के कालेपन को दूर करती है, साथ ही हमारे चेहरे के मुहासे और दाग धब्बों से हमें छुटकारा दिलाती है। हल्दी की मदद से हमारा चेहरा तेजी से ग्लो करने लगता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब किसी की शादी होती है तो सबसे पहले उसे हल्दी का उबटन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हल्दी से चेहरा तेजी से ग्लो करने लगता है। ये हमारे पूरे शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। इसे हम अपने पूरे शरीर पर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी चीज जो हम इसमें लेंगे वो है दोस्तों कॉलगेट का पेस्ट। हम यहाँ पर सिंपल वाला कॉलगेट का पेस्ट ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ इतनी सी मात्रा में आपको कॉलगेट का पेस्ट इसमें ऐड करना है। थोड़ी सी मात्रा में हम यहाँ पर कॉलगेट का पेस्ट इसमें ले लेंगे। ये हमने इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि ये हमारे त्वचा को ठंडक देता है, जिससे हम काफी अच्छा महसूस करते हैं। साथ ही कॉलगेट के पेस्ट की मदद से हमारे चेहरे के मुहासे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं या आपके चेहरे पर काफी सारे मुहासे हो गए हैं तो कॉलगेट का पेस्ट आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अब हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों वो है नारियल का तेल, जो कि आप मेरे पास देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर पैराशूट नारियल का तेल लिया है जो कि 100% प्योर कोकोनट ऑयल होता है। ये हमारे चेहरे पर मॉइस्चराइज का काम करता है, साथ ही साथ नारियल के तेल की मदद से हमारे चेहरे पर एक ग्लो आता है क्योंकि नारियल के तेल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। नारियल के तेल की मदद से हम अपने चेहरे को तेजी से गोरा, चमकदार और सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल ऐड करेंगे। नारियल का तेल लेने के बाद में दोस्तों आपको इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक पतला सा पेस्ट बना के तैयार करना है। इस तरीके से दोस्तों ये आपका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है और काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इसका पतला सा पेस्ट बनाना है। अब इसे चेहरे पर अप्लाई करने का तरीका दोस्तों वो ये है, आप सबसे पहले अपने चेहरे को किसी अच्छे फेस वॉश से धोकर साफ कर लें। फिर इसके बाद में आप इस पेस्ट को इस तरीके से लें और अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करें। आप जहां से भी त्वचा का कालापन दूर करना चाहते हैं उस जगह पर आप इस पेस्ट को इस तरीके से लगा लें और इसे कम से कम आप 15-20 मिनट के लिए ऐसे लगा हुआ छोड़ दें। 15-20 मिनट के बाद दोस्तों आप इसे सादा ठंडे पानी से धोकर साफ कर दें। इस उपाय को 3 दिन लगातार करने से आपके चेहरे पर काफी तेजी से निखार आएगा, आपका चेहरा पहले से काफी गोरा, चमकदार और सुंदर बनेगा। तो दोस्तों, आप इस नुस्खे को करने के बाद में एक बात का ध्यान रखें कि आप फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल ना करें। तब तक आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तब तक इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को कम से कम वीडियो को 5000 लाइक तक जरूर पहुंचाएं। आपका हर एक लाइक हमारे लिए काफी जरूरी होगा। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।